ज़रा मुझे कोई बता दीजिएगा, मेरी ये जो बेल है ना बहुत ज़्यादा ड्राई होने हो गई है अभी तो। खैर इसमें तो आज हम बना रहे हैं बर्गर। ये आ गए इस पे गरम गरम कबाब है। अब सुबह सुबह मैंने लगा ली है आज फाइनली मशीन। ऑलमोस्ट कपड़े धुल चुके हैं, बस थोड़े से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैंने कहा था कि आज दो व्लॉग बनाऊंगी लेकिन नहीं बना सकी, इतनी मसरूफियात हो गई। पानी वाला भी जस्ट अभी आया, अभी हमने पानी वानी भरा है, सारे काम ख़त्म किए, तो अभी लग गई है भूख। तो हमने कहा चले हल्का फुल्का सा हम लोग खाना जो है वो इंजॉय करते हैं, क्योंकि अभी खाना बनाने का टाइम नहीं मिला। और आपको पता है कि एज़ यूजुअल मुझे जाना है जिम, तो बस फटाफट मैंने कहा बच्चों को हल्का फुल्का सा बर्गर शर्गर बना देते हैं। और कबाबी वगैरह रख रही थी तो वरदान ने उसकी रिकॉर्डिंग की थी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। तो व्लॉग को कर लिया है कंटिन्यू, जो भी शेयरिंग होगी आप लोग साथ शेयरिंग करते रहेंगे। हम लोग पहले बर्गर को इंजॉय कर लेते हैं और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम बना रहे हैं बर्गर। ये आ गए इस पे गरम गरम कबाब है, मज़ेदार से हम बर्गर खाएंगे। अब हमने पहले इस बन को हाफ कर लिया, उसके बाद इसमें लगाया टोमेटो केचप, उसके बाद हमने इस पर मायनीस लगाया, उसके बाद ऑनियन, उसके बाद अपने कबाबे रखी। अब हम इस पर क्या लगाएंगे? टोमेटोस लगाएंगे, उसके बाद हम इसको वापस से कवर कर देंगे इसके दूसरे साथी बन से। Two thousand years later. अच्छा जी, गुड मॉर्निंग मैं YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब। सुबह सुबह मैंने लगा ली है आज फाइनली मशीन। ऑलमोस्ट कपड़े धुल चुके हैं, बस थोड़े से रह गए हैं, और लगी हुई है मज़ेदार सी भूख। बच्चे स्कूल जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी तकरीबन 9 ही बजे हैं, ज़्यादा नहीं बस टाइम हुआ कोई। तो मैंने ऑलमोस्ट अपना काम जो है वो ख़त्म कर लिया है, यहाँ पर कपड़े धुल चुके हैं। जब ये बच्चों को सुबह सुबह मैंने बना कर दिया था बर्गर, तो ये वैसे वरदा ने जो है ना वो बनाया है बर्गर अभी सुबह वाला। रात में मैंने बनाया था, उसकी शेयरिंग भी आप लोगों के साथ कंटिन्यू करती रहूँगी, कि रात में हम लोगों ने जो है ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया था और बर्गर बना लिए थे होममेड और खा लिए थे। कल का दिन मेरा बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ रहा, पता नहीं क्यों आजकल दिन इतने ज़्यादा मसरूफ़ जा रहे हैं, इतने ज़्यादा मसरूफ़ जा रहे हैं जिसकी कोई हद और इंतहा नहीं। मैं कहती हूँ कि मैं ब्लॉग कर लूँगी, दो ब्लॉग बना लूँगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, मसरूफियात बहुत है, हर चीज़ करनी है, सारे काम करने, किचन भी अलहमदिल्ला रात में सारा सबमिट कर सोती हूँ, तो सुबह इतनी टेंशन नहीं होती है। तो बस थोड़े से बर्तन जो नाश्ते के थे वही बचे हुए हैं, वही धोने हैं इंशाल्लाह। धूप भी निकली हुई है ज़बरदस्त किस्म की, तो चले फटाफट पहले मैं जो है बर्गर को इंजॉय कर लेती हूँ, थोड़ा सा खा लेती हूँ, क्योंकि लगी हुई मज़ेदार सी भूख, फिर बाहर जाना है। तो मैंने कहा चले आज आप लोगों के साथ मॉर्निंग की और रात में जो बर्गर शर्गर बनाया था उसकी शेयरिंग इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कर देते हैं, छोटा सा व्लॉग। और थैंक यू सो मच, पिछले व्लॉग में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो चले मैं इसको नोश फरमाती हूँ और फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह आप लोगों से। अरे भाई शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये देखा करें, ये दो भिमरी कहते हैं ना इसे, ये यहाँ पर अटकी। अच्छा अक्सर यहाँ पर पता नहीं क्यों उस नेट पर आकर भिमरी आके अटक जाती है, समझ से बाहर है। शायद ये ग्रीनिश वाली जो नेट होती है वो समझती है या क्या। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं और जो सुखाने वाले कपड़े हैं वो यहाँ पड़े हुए हैं, ये रहे। अब ये सुखाने कपड़े बाकी हैं, बाकी कपड़े धुल चुके हैं। अच्छा आज इतनी धूप नहीं है, आज मैंने मशीन लगा ली, तो मैंने कहा चलो मैं आज मशीन लगा लेती हूँ तो जल्दी से कपड़े सूख जाएंगे, वरना सहन में इतनी धूप होती है, यहाँ पर भी इतनी धूप होती है, पर आज इतनी धूप नहीं है। बस सिर्फ झाड़ू लगानी है, पोछा लगाना है, और थोड़े से बर्तन हैं, बस दो चार वो धोने हैं, फिर हस्बैंड जी को उठाते हैं इंशाल्लाह, और फिर उनको नाश्ता वाश्ता करवाते हैं। रूम भी ऑलमोस्ट समटा हुआ है, बस थोड़ा सा बिस्तर उस रूम में है वो उठा लूँ। तो इसी के साथ मैं आज की शेयरिंग को करती हूँ यहीं पर ही ख़त्म। उम्मीद है आपने आज की शेयरिंग इंजॉय की होगी, इंजॉय की हो तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। अच्छा इसके बारे में ज़रा मुझे कोई बता दीजिएगा, मेरी ये जो बेल है ना बहुत ज़्यादा ड्राई होने हो गई है अभी तो। खैर इसमें से ये आ रही है न्यू कोपले, फूट रही है माशाल्लाह, लेकिन उस तरह की ग्रोथ नहीं है, उस तरह की घनी नहीं है जिस तरह की ये पहले हुआ करती थी। ये देखेंगे पूरी तरीके से जो है ड्राई हो गई है, ऐसे नज़र लग गई है या क्या है, समझ से बाहर है। इस तरह कोई भी फर्टिलाइज़र है या कुछ भी है तो एक्सपायर्ड, ज़रा मुझे इसके हवाले से बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जो जो पौधे वगैरह रखते हैं। तो चलिए भाई आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।